मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।